ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक कड़वी हकीकत है। मनुष्य के सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनमें से ये एक है और पूरा विश्व आज इसके चपेट में है। आने वाले समय में 7 अरब लोग पीड़ित होंगे ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों से। पिघलते ग्लेशियर्स, समुद्र का तापमान बढ़ता जाता है, नदियां हमारी सिकुड़ती जा रही हैं। इसका विकल्प क्या है? तो आइए इस एपिसोड में नज़दीकी से देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभाव। दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं और कुछ छोटे द्वीपों के सामने समुद्र में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। धुंध से भरे पहाड़ और जंगल मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं और वन्य जीव तथा दूसरी जीव प्रजातियां बदलती दुनिया के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए जूझ रही हैं। ये स्पष्ट है कि इसके लिए हम इंसान जिम्मेदार हैं। पृथ्वी पर हमारी गतिविधियों से ऐसी गैसें वातावरण में रिहा हुई हैं जो गर्मी को सोखती हैं। इन्हीं के कारण पिछले 100 साल में तापमान बढ़ा है। ये ग्रीन हाउस गैसें गर्मी को सोखती हैं जिससे मौसम में बदलाव आता है। इंसानी गतिविधियों, खासकर पश्चिमी जगत में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई जिससे रहन सहन का स्तर सुधरा। इस विकास को बढ़ावा दिया ऊर्जा ने। आज भी जीवाश्मीय ईंधन जैसे कि कोयला, डीजल और पेट्रोल ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। कोयला सबसे सस्ता स्रोत है। जलाने पर यह जीवाश्मीय ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन के साथ सबसे बड़े प्रदूषकों में गिना जाता है। प्राकृतिक चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पेड़ों और समुद्रों द्वारा सोख ली जाती है और इसके उप उत्पाद के रूप में जन्म होता है ऑक्सीजन का। ये चक्र लाखों साल से यूं ही चला आ रहा है, इसलिए जंगलों और महासागरों को कार्बन सिंक या कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले कुदरती तत्व कहा जाता है। ये कुदरत के अनूठे, वहनीय मगर जीवन के नाजुक ताने बाने का चक्र है और पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के जीने के लिए जरूरी है। लेकिन साल दर साल तेज विकास और औद्योगिक प्रगति के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ती गई है। माना जाता है कि हमारी रोजाना की खपत की 80% ऊर्जा हमें जीवाश्मीय ईंधनों यानी फॉसिल फ्यूल से मिलती है। इनमें कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल हैं। इसके नतीजे में हर साल 8 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें वायुमंडल में पहुंच जाती हैं। इससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा करीब 30% ज्यादा बढ़ गई। ज्यादातर वनों के तबाह और समुद्रों के प्रदूषित हो जाने से प्रकृति का नाजुक रीसाइक्लिंग सिस्टम बहुत दबाव में आ गया है। वातावरण में कार्बन की अतिरिक्त मात्रा से ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा हुआ। लेकिन आइए पहले समझने की कोशिश करें कि ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। जीवन को पालने के लिए पृथ्वी को ऊष्मा की जरूरत होती है। अपने आप पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, पानी के कण और ओजोन गर्मी को सोखने वाले तत्व हैं और सूर्य के साथ पृथ्वी की ऊष्मा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी एक विशाल ग्रीन हाउस है और वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैस शीशे के पैनल जैसे हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर इसे गर्म करती हैं। पृथ्वी की गर्म सतह
सोखी हुई इस कुछ ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। इस ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड और हवा में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें सोख लेती हैं। ये एक कुदरती घटना है। अगर ग्रीन हाउस गैसों का ये आवरण न होता तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि जीवन यहां पनप ही न पाता। बदकिस्मती से ये प्राकृतिक और निरंतर चलने वाला चक्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, क्योंकि वायुमंडल में ऐसी गैसों की मात्रा दोगुनी हो गई है जिससे हमारा ग्रह गर्मा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी का औसत तापमान एक सदी के दौरान लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। यही जलवायु परिवर्तन की मुख्य वजह है। इसी कारण मौसम का विन्यास गड़बड़ा रहा है। इससे सूखे, हीट वेव, बाढ़ और चक्रवातों जैसी स्थितियां पनप रही हैं, जिससे दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़, सूखे, तूफान, समुद्र के जलस्तर के बढ़ने वगैरह से जो मुश्किलें पैदा होंगी, उनके और बेरहम जलवायु के कारण दुनिया के कुछ हिस्से में लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तब उन्हें अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाना होगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से जब इतने सारे लोग किसी दूसरी जगह जाएंगे तो बहुत बड़े स्तर पर आपसी झड़पें होंगी। 2003 में यूरोप में देखी गई हीट वेव अब तक गर्मियों में सबसे अधिक तापमान वाले दौर में से एक रही, जिससे 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। यूरोप के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। औसतन 100 साल में इतनी जबरदस्त बाढ़ें आया करती थी, मगर अब वो बार बार आने लगी हैं। पिछले दशक में ब्रिटेन में जो बाढ़ें आईं, 2013 की बाढ़ उनमें सबसे ज्यादा बुरी थी, जिससे हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए। हमने ब्रिटेन, यूरोप और भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का ठीक से सामना नहीं किया तो इन जगहों पर इसका बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला असर होगा। ब्रिटेन की ऊर्जा कंपनियां पहले ही भारतीय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ी निवेशक बन चुकी हैं। हम चाहते हैं कि हम मिलकर और नई टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इस्तेमाल करें। जलवायु विज्ञानियों और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन का पूरी दुनिया पर ही बेहद नुकसान पहुंचाने वाला असर होगा और विकासशील देश, खासकर कम ऊंचाई पर बसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। क्योंकि वार्मिंग जब होता है तो न केवल पृथ्वी पर होता है, ये समुद्र में भी होता है, और समुद्र में जब तापमान बढ़ता है तो पानी का जो वॉल्यूम है, आयतन, वो काफ़ी बढ़ जाता है, और पानी का जब आयतन बढ़ता है तो उसका जल स्तर है समुद्र का, वो ऊपर उठ जाता है, ताकि जो इसके प्रभाव से तटीय क्षेत्र जो है वो डूब में आ जाते हैं। भारत की तटरेखा 7500 किलोमीटर लंबी है और इसके सामने बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। ये समुद्र के किनारे बसे सबसे सघन आबादी वाले इलाकों में से एक है। यहाँ 135 व्यक्ति प्रति किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में समुद्र के स्तर में वृद्धि भारतीय तटरेखाओं पर बसे समुदायों और इसकी पर्यावरण प्रणाली के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी। टेरी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एक अध्ययन से पता चला है कि अगर समुद्र के जल स्तर में 1 मीटर का इजाफा होता है तो उससे 5,000 वर्ग किलोमीटर इलाका प्रभावित होगा और करीब 70,00,000 लोगों की जिंदगी के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। बाढ़ और तटीय कटाव एक आम बात बन जाएंगे, जिससे समुद्र के किनारे वाले हिस्सों में भारी तबाही मच जाएगी। विशेषज्ञों का दावा है कि दुनिया भर में बढ़ता तापमान समुद्र की सतह के तापमान को भी बढ़ा देगा, जिससे हमारी समुद्री पर्यावरण प्रणालियां बुरी तरह प्रभावित होंगी। कोरल रीफ जीवन की नर्सरी है और यहां मछलियों की 4,000 से ज्यादा प्रजातियां बसती हैं। वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर पृथ्वी के तापमान को कायम रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से
समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान के कारण और बढ़ते प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया के कोरल रीफ के सामने गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पूरी दुनिया से ही कोरल के रंग फीके पड़ने की भी खबरें मिल रही हैं, जिससे ये जीवंत पर्यावरण प्रणाली एक निर्जीव और बंजर जगह में बदलती जा रही है। ऐसे में हमारे मछली पकड़ने वाले समुदायों का ये पीढ़ियों पुराना पेशा खतरे में है। इस नाजुक पर्यावरण प्रणाली के बेनूर और बाधित होने से पूरी दुनिया में मछली पकड़ने वाले समुदायों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिसकी रोजी रोटी और पोषण संबंधी जरूरतें इसी काम पर निर्भर करती हैं। भारतीय तटरेखा के आसपास के समुदायों का एक मुख्य पेशा है मछली पकड़ना, और इस काम से भारत के कुल निर्यात की 3% राशि भी जुटती है। तटों के साथ जहां 25% से अधिक आबादी समुद्री किनारों के 40 किलोमीटर के दायरे में रहती है, अब उनका सारा भविष्य खतरे में होगा। तटीय आबादी को समुद्री स्तर के भयानक नतीजों से बचाने के लिए अगर हमने पहले से बचाव की प्रक्रिया को क्रियाशील नहीं किया तो। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु परिवर्तन का एक और लक्षण नजर आ रहा है, जिससे हिमालय क्षेत्र में तबाही पैदा हो रही है। 2010 में लद्दाख में बादल फटा था, और केदारनाथ की पिछले साल की त्रासदी तो आज भी हमें याद है। हजारों लोगों की जाने गई थी और बहुत से लोग बेघर हुए थे। इस व्यापक तबाही ने सारी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। जलवायु परिवर्तन की वजह से बड़े बदलाव आ रहे हैं, इससे बहुत खतरा है और इसकी वजह से भारी तबाही हो रही है। पिछले कुछ बरसों में हमने देखा है कि हिमालय के इस क्षेत्र में पानी और ग्लेशियर घट रहे हैं, और इस कारण बार बार बाढ़ें आती हैं। बादल फटने और ग्लेशियर से बनी झीलें फटने से भी तबाही हो रही है। एंड आल्सो बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। इसके अलावा हिमालय के ग्लेशियर बहुत ही तेज रफ्तार से पिघल रहे हैं, जिससे ग्लेशियरों से बनने वाली झीलों के किनारे टूट जाते हैं और बाढ़ आ जाती है। लद्दाख जैसे इलाकों में बहुत से ग्लेशियर हैं और वहां खतरा ज्यादा है। बीते बरसों के दौरान ऐसी बाढ़ों का आना बढ़ा है, जिससे भारी तबाही होती है और हजारों लोग प्रभावित होते हैं। अचानक आने वाली बाढ़ की वजह से मैं और हमारे गांव वाले बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सब लोग बाढ़ के बाद बचाव के काम में लगे हैं। पिछले 3 दिन से हम बाढ़ से खुद को और अपने मवेशियों को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं और तंबुओं में रह रहे हैं। पूरा पलंग समाप्त पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। मौसम और दूसरे विन्यास पूरी दुनिया में बदल रहे हैं। ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे ताजे पानी की आपूर्ति संकट में पड़ जाएगी। हिमालय में ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर उत्तर भारत में हमारी कुछ प्रमुख नदियों और सहायक नदियों के ताजे पानी के प्रमुख स्रोत हैं। ये नदियां सूखने लगी तो लाखों लोग प्रभावित होंगे। इस साल फरवरी में भारत में आंध्र प्रदेश के गांवों में बड़े बड़े ओले पड़े। ओलावृष्टि करीब 20 मिनट तक जारी रही, जिससे फसलों, घरों और मवेशियों को भारी नुकसान पहुंचा और काफी आर्थिक बर्बादी हुई। जलवायु में बदलाव के कारण लाखों लोगों, विशेषकर किसानों को अपनी रोजी रोटी के सामने गंभीर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, बेवक्त का बर्फ पड़ जाना, बारिश पड़ जाना, इनका असर हमारी फसलों पर पड़ता है, और अगर फसलों पर असर पड़ता है तो हमारे भोजन पर, प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन पर पड़ता है। तो ऐसी समस्याएं हैं
जिससे पूरी पृथ्वी को, हम सबको, भारत में भी जूझना पड़ेगा भविष्य में। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बारिश समय पर नहीं हुई। बढ़ता तापमान किसानों के लिए चिंता का कारण बन गया है, खासकर राज्य की फल उगाने वाली पट्टियों के लिए। पिछले 4-5 सालों से खुश्क मौसम रहा है। ये मौसम ही नहीं है बर्फ पड़ने का, जबकि अचानक आज रात बर्फ पड़ी, इससे बहुत सारा नुकसान हुआ है पेड़ों को। जाड़ा खत्म हो गया लेकिन अचानक बर्फ पड़ी। हमने कुछ पेड़ों की कटाई की थी, कुछ ही करनी थी। सबसे ज्यादा नुकसान सेबों को हुआ, बहुत सारे पेड़ गिर गए। जमीन में जो बीज बोए थे वो भी खराब हो गए। आड़ू के पेड़ बर्बाद हो गए, बादाम के फूल खराब हो गए। बेमौसम बर्फबारी से सारी फसलें खराब हो गई हमारी। सेब उगाने वाली बेल्ट को कम से कम 60 दिन तक बेहद ठंडा मौसम चाहिए होता है, तभी पेड़ों पर फल लगते हैं। लेकिन पिछले कुछ एक साल से हिमपात में जो कमी आई है, उससे ठंडे मौसम वाली ये अवधि काफी घट गई है जो सेबों के लिए चाहिए होती है। मानसून की दौरान होने वाली जो वर्षा है, उसका चक्र में गड़बड़ हो रहा है कुछ क्षेत्रों में, जिसमें कि मध्य भारत और वेस्ट कोस्ट है, पश्चिम तट, यहाँ पर वर्षा में कमी हुई है। ख़ास तौर से जो चौंकाने वाली बात यह है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। अध्ययन से पता चला है कि बढ़ते तापमान के कारण भारत का चावल उत्पादन 20-50% तक और गेहूं का उत्पादन 35-60% तक घट सकता है। सबसे ज्यादा असर उन किसानों पर पड़ेगा जिनकी जमीन सूखे इलाकों में है, जहां खेती बारिश पर निर्भर है और जहां साल में सिर्फ एक फसल ही उगाई जाती है। आज इंसान के सामने एक बेहद बड़ी चुनौती है इन गड़बड़ियों को कम करना, और हालात के हिसाब से ढलना ही फौरी समाधान है। सभी स्तरों पर एक सामूहिक और लगातार प्रयास की जरूरत है। हमारे वनों को बचाने और अधिक पेड़ लगाए जाने की तुरंत आवश्यकता है, ताकि जहां तक हो सके संतुलन को बहाल किया जा सके। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए जंगल बहुत जरूरी हैं। वनों का कटना और आग लगना दुनिया में हो रहे कुल एमिशन यानी उत्सर्जन का करीब 15-20% हिस्सा पैदा करते हैं। जब तक दुनिया जंगलों की कटाई को रोकेगी नहीं, तब तक हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में जीत नहीं पाएंगे। हमें फौरन ही जीवाश्मीय ईंधनों का विकल्प ढूंढना होगा। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के साफ सुथरे स्रोत दुनिया के कई हिस्सों में कामयाब साबित हो रहे हैं। भारत भी नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना का जायजा ले रहा है। उसका लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में 29,800 मेगावाट बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पैदा करना है, जिसे 2022 तक बढ़ाकर 72,000 मेगावाट तक कर दिया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में ब्रिटेन भारत की साझेदारी इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश का एक हिस्सा है। ब्रिटेन ऑफशोर विंड यानी तट पर चलने वाली हवा के क्षेत्र में एक अग्रणी देश है, और भारत सरकार भी इस दिशा में काफी दिलचस्पी ले रही है। हम ब्रिटेन में ज्वार के जरिए बनने वाली बिजली के क्षेत्र में भी काफी काम कर रहे हैं। ज्वार से बनने वाली ऊर्जा के सिलसिले में हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। इस मामले में भारत के पास भी कुछ विकल्प हैं। भारत सरकार की नीति सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करके कारों का प्रयोग कम से कम किया जाए।
हमेशा ऐसे उत्पाद खरीदें जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हों, क्योंकि इससे आपके स्टोर तक लाए जाने वाले उत्पादों पर परिवहन की शक्ल में खर्च होने वाली ऊर्जा में कटौती होगी। अपने उपकरणों की जांच समय समय पर। कम कार्बन पैदा करने वाली एक जीवन शैली सुनिश्चित की जाए, जिससे हमें पृथ्वी की छिन्न भिन्न हो चुकी पर्यावरण प्रणालियों को बहाल करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पलटने और सभी के लिए एक स्थिर और वहनीय भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमें फौरन मिलजुल कर कोशिश करनी होगी। ग्लोबल वार्मिंग को एकदम रोका नहीं जा सकता, पर एक बदलाव जरूर लाया जा सकता है अगर मनुष्य हम सब अपनी गतिविधियों को, अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करें, अपनी लाइफस्टाइल्स में एक बदलाव लाएं, ऊर्जा का सही उपयोग, जंगल न काटें, पानी का सही उपयोग, यह सब एक बदलाव ला सकता है। आपकी गाड़ियां हैं ज़रूर होंगी, अगर उनका उपयोग आप हफ्ते में एक बार न करें तब भी पृथ्वी पर उसका असर पड़ सकता है। तो हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, और ग्लोबल वार्मिंग रोकने का यही एक उपाय है। और अब एक बार फिर समय आ गया है हमारे साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, गुजरात की कौन सी जनजाति देश को नमक मुहैया कराती है? और इसका सही जवाब है अगरिया जनजाति। और आज के विजेता हैं शिवानी मीना राजस्थान, ऋचा अग्रवाल हरियाणा, नैना पाटिल गुजरात, शैलजा पांडे उत्तर प्रदेश और राही कुलकर्णी महाराष्ट्र। पहले पांच विजेताओं को मिलेगा अर्थ मैटर्स की तरफ से एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट, और 10 अनविजेताओं को मिलेंगे स्पेशल फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट विनर्स हैं निकिता बेहरा तेलंगाना, एनपी दत्ता झारखंड, रेखा अग्रवाल हरियाणा, राहुल पंजाब, अभिषेक जोशी चंडीगढ़, अनिल कुमार सिंह नई दिल्ली, रजत शुक्ला महाराष्ट्र, अंकित मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश, मनप्रीत सिंह मध्य प्रदेश और भीम सिंह आंध्र प्रदेश। और अब ध्यान से सुने इस हफ्ते का सवाल, जीवों द्वारा हमारे पृथ्वी पर बनाई गई सबसे बड़ी संरचनाएं कौन सी हैं? सवाल एक बार फिर सुनिए, विच आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट अर्थ क्रिएटेड बाय एनिमल्स। अपने अपने जवाब एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें इस पते पर लिख भेजें। हमारा पता है अर्थ मैटर्स, पोस्ट बैग नंबर 3, ग्रेटर कैलाश 2, नई दिल्ली 110048। और हमारा ईमेल आईडी है dd@earthmatters.gmail.com। और एक बार ध्यान रहे, अपने अपने पते के साथ अपना टेलीफोन नंबर लिखना ना भूलें। तो आज का सफर बस यहीं तक, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अंक में अर्थ मैटर्स के साथ, एक नए सफर पर, एक नई दुनिया में। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, नमस्कार।